नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास नेचर ऑफ मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। अब जितने भी आगे के न्यूमेरिकल है ना, वो सिर्फ इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है, तो हमें ये डेफिनेशन अच्छे से ध्यान रखनी है कि ये जो पैराबोलिक वर्ड इसमें लिखा है ये पैराबोलिक क्या है, और आगे भी कुछ टर्म्स बता रखी हैं। तो इसमें सबसे पहले है ए मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन विद वन फिक्स पॉइंट जेड नोट। किसी भी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन का अगर सिर्फ एक ही फिक्स पॉइंट है जेड नोट, तो उसको बोलते हैं पैराबोलिक। और ये तो हम पीछे ही पढ़ चुके थे कि वन फिक्स पॉइंट में कैसे लिखते थे। देखो, जब वन फिक्स पॉइंट होता था यहाँ पर, ठीक है, तो हम कैसे लिखते थे, 1 बाई डब्ल्यू माइनस क्यू इज इक्वल टू 1 बाई जेड माइनस क्यू प्लस के। यहाँ पर उस फिक्स पॉइंट को क्यू से लिखा था और नेक्स्ट पेज पे इस फिक्स पॉइंट को जेड नोट से लिख रखा है, क्योंकि यहाँ बता दिया अभी फिक्स पॉइंट जेड नोट है, ठीक है। बाकी सब वैसे का वैसा है, के की जगह इन्होंने एच लिख दिया है यहाँ पर। इसके बाद है दूसरा पॉइंट, दूसरा काफी इंपॉर्टेंट है, ए मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन विद टू डिस्टिंक्ट फिक्स पॉइंट्स जेड वन एंड जेड टू इज एक्सप्रेसिबल एज। दो अलग अलग फिक्स पॉइंट अगर आते थे तो हमने कैसे किया था, ये किया था, वन डब्ल्यू माइनस क्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस आर इज इक्वल टू के इन टू जेड माइनस क्यू अपॉन जेड माइनस आर। यहाँ पर इन्होंने उन फिक्स पॉइंट को जेड वन और जेड टू से लिख दिया, बाकी सब वैसे का वैसा है, ठीक है। अब इसमें आगे देखो ये क्या बता रखा है, यहाँ पर ये जो के आया था, ये वाला के, दिस वन, ठीक है, अगर ये के जीरो से बड़ा है तो हम इसको हाइपरबोलिक कहेंगे। अगर के ई की पावर आयोटा अल्फा टाइप का दिखाई दे रहा है जिसमें अल्फा जीरो नहीं है तो हम इसको एलिप्टिक कहेंगे। और अगर के ए इंटू ई की पावर आयोटा अल्फा टाइप का दिख रहा है वेयर ए की वैल्यू वन नहीं होनी चाहिए और अल्फा की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, तो इसको हम लोक्सोड्रोमिक कहेंगे। अब हम इसकी न्यूमेरिकल्स देखते हैं, लेकिन आपको ये तीसरा पॉइंट अच्छे से याद रखना है क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड सारे न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है।